टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मुंब्रा पुलिस ने 11,13,700 रुपये कीमत के सोने के जेवर और मोबाइल लैपटॉप चोरी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुंब्रा पुलिस में शादी महल चिश्तिया नगर की रहने वाली आफरीन सलीम शेख ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि उनके घर का लॉक तोड़कर सोने के गहने, लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन की चोरी हुई है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन में कृपाली बोरसे, दिलीप कृपन, प्रवीण कुम्हार, नवनीत चौहान, रुपेश शेलके ने गुप्त जानकारी और CCTV फुटेज के आधार पर शिबान रफीक खान 19 साल जो सदाब अपार्टमेंट किस्मत कॉलोनी डोंगरे चाल का रहने वाला है, वहीं दूसरी आरोपी सलमा जसीम शेख 39 साल जो चिश्तिया नगर शादी महल गली की रहने वाली है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के पास से चोरी के गहने, मोबाइल, लैपटॉप बरामद किया है जिसकी कीमत 11,13,700 रुपए बताई जा रही है। वहीं मुंब्रा पुलिस ने दूसरे एक मामले में एक आरोपी को और गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी के पास से कोरेक्स 34 ग्राम मेफेड्रिन पाउडर, चोरी के रिक्शा, 4 मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। मुंब्रा पुलिस ने इसे नाइट लाइफ गश्त के दौरान पकड़ा है। मुंब्रा पुलिस के तरफ से मिली जानकारी के अनुसार ये आरोपी जबरन चोरी और नशे का सौदागर भी है।